हिट एंड रन के नए कानूनी प्रावधान के बीच मोदी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। सड़कों पर ट्रक ड्राइवरों का भारी गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है और वो अपनी मांगों को बिना माने सड़क से हटना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन इस बीच कई इलाकों से खबरें आने लगी हैं कि पेट्रोल डीजल समेत रोजमर्रा के सामानों की किल्लत भी होने वाली है। ऐसे में आपको सुनवाएंगे इस कानून को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आखिर संसद में क्या कहा है। उससे पहले जानिए कि देश के विभिन्न हिस्सों में नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस ट्रक व कैब ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा व पंजाब सहित कई राज्यों में हो रही हड़ताल का असर अब सामान्य जनजीवन पर भी पड़ता हुआ दिखाई देने लगा है। पेट्रोल पंपों पर वाहनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इस हड़ताल का असर अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस समारोह पर भी पड़ सकता है। केंद्र सरकार इसी को लेकर इस मामले में अब सतर्क नजर आ रही है। सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए, कारण कि हड़ताली कर्मियों के साथ अब बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि संसद में आखिर अमित शाह ने क्या कुछ कहा था। एक मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहा एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया, अकस्मात होता है। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। तो मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी नहीं, पर ये करते करते जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है तो वो भी गैर इरादतन हत्या में आ जाती है, इसकी भी सजा बढ़ गई। तो हमने इसको एक, मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, डॉक्टरों को इससे मुक्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे सामने रजूआत करी थी, हमने इसको मुक्त करने का प्रावधान किया। अब अमित शाह को सुनने के बाद आपको यह समझ आ गया होगा कि सरकार का मकसद एक्सीडेंट के बाद तड़पते हुए उस इंसान को बचाना है, जो समय रहते अगर अस्पताल में पहुंचा दिया जाए तो शायद उसकी जान को बचाया जा सकता है। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सड़क एक्सीडेंट में होने वाली मौतों का कारण समय पर इलाज न मिल पाना ही बताया जाता है। ऐसे में सरकार का मकसद सिर्फ इन एक्सीडेंट में भारी कटौती करना है। हालांकि सवाल तो यह भी है कि वो ड्राइवर कहां से पैसा दे पाएगा जो खुद महीने का 10,000 रुपए कमाता है और उसी से अपने घर की जरूरतों को पूरा करता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है वो कमेंट करके बताएं और बने रहें वन इंडिया के साथ। नमस्कार।